हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है मनी के बारे में या ज़र के बारे में। आपकी इकोनॉमिक्स का जो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हम इकोनॉमिक्स इसको हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आज हम जो है वो ज़र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मनी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं आपको दूंगा आज, और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम देखेंगे इसके मज़ीद टाइप्स और इसके फंक्शंस वगैरह। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि जैसे जैसे अगर हम बैकवर्ड जाएं, इंसानी तारीख को अगर हम पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड अगर हम देखें, तो शुरू शुरू में इंसान जो था ना वो जंगलों में और गारों में रहता था, जैसे कि आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा देखा हुआ है। अब उस जो सूरत हाल में जब इंसान जंगलों और गारों में रहते थे, तो उनको खाने पीने के लिए जो थे वो जंगली गोश्त वगैरह, जो कच्चा गोश्त थे, या सब्जियां वगैरह, या दरख्तों के पत्ते वगैरह, वो खाते थे और अपना गुजारा करते थे, ठीक है ना। और जिस्म ढांपने के लिए भी दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों को जो थे वो अपने जिस्म के इर्द गिर्द लपेटते थे और उसे अपना जिस्म कवर करते थे, ठीक है ना। अब चूँकि इंसान उस वक्त तादाद में कम होते थे, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते थे उनके पास, ये खाने पीने वाले जो कि कच्चे गोश्त और सब्जियों और दरख्तों के पत्तों की जो थी ना फॉर्म में उनके पास मुयसर थे, वो वसाइल काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे जब इंसानों की तादाद बढ़ी, नस्ल इंसानी ने जब अपना जो था वो इजाफ़ा किया अपनी नस्ल में, तो तादाद ज़्यादा होने की वजह से अब लोगों की या इंसानों की ज़रूरियात भी ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो जब इंसानों की तादाद में इजाफा हुआ, तो उन्होंने फिर गारों से निकले, जंगलों से निकले, और कस्बे और छोटे छोटे कबीले बनाना शुरू कर दिए, मैदानी इलाकों की तरफ आए, ठीक है, कस्बों की तरफ आए, देहात आबाद हुए। और जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ी, वैसे वैसे उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी बढ़ना शुरू हो गई। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या किया, मुख्तलिफ़ किस्म की जो थी ना वो चीज़ें काश्त करना शुरू कर दी, सब्जियाँ उगाना शुरू कर दी हैं। जैसे जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें उन्होंने पैदा करना शुरू कर दी, ठीक है ना, अपनी मेहनत से, तो उन चीज़ों, लेकिन फिर भी ना इंसान को बहुत ज़्यादा जो थी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था उन दिनों। तो लोगों ने क्या किया, अब एक बंदा कभी भी अकेला नहीं रह सकता, या एक फैमिली कभी भी अकेली सर्वाइव नहीं कर सकती। इंसान को सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदगी की बका के लिए ना, दूसरे इंसान की हेल्प की ज़रूरत होती है, ठीक है। जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, और आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ऐसे मेरी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो हर इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी सेंस में हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इंसान को उस वक्त भी दूसरे इंसानों की चूँकि ज़रूरत थी, और चीज़ों के लेन देन में बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलात आती थी, ठीक है ना। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब रुपया पैसा नहीं होता था। हम ज़र के आने से पहले या मनी के आने से पहले का हम ये थोड़ा सा ना हिस्ट्री देख रहे हैं। और जब उन लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा लेन देन में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों को ना एज अ मनी यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिनमें आप कह लें जो जानवर होते थे उनकी खालें वगैरह, उनको एज अ ज़र इस्तेमाल करते थे, तीर गल्ला, ठीक है, जो कि ज़रिए जिनास होती हैं, जैसे कि गंदम चावल, ठीक है, उसको एज अ मनी यूज़ करते थे उन चीज़ों को। जो सीप होती हैं, इसी तरह जो कीमती पत्थर या मुख्तलिफ किस्म के प्यारे प्यारे पत्थर जो लोग आज भी जो है ना वो बड़े पसंद करते हैं, लेकिन आज हम उनको एज अ मनी यूज़ नहीं करते, लेकिन उस दौर में वो एज अ मनी यूज़ होते थे, लेन देन के लिए इस्तेमाल होते थे। कि मतलब अगर किसी एक बंदे को किसी से कुछ चाहिए ना, तो अगर वो पत्थर एक्सचेंज करता है, तो वो उसके बदले वो चीज़ ले लेता था। तो इस किस्म का लोग लेन देन करते थे, ठीक है ना। किसी को खाल दे दी और उससे चावल ले लिए, किसी को पत्थर दे दिए तो उससे जो है वो गंदम ले ली, तो इस किस्म के लोग जो थे एक्सचेंज करते थे। लेकिन अब आपको भी पता है कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, इनमें बहुत सी पेचीदगियाँ होती हैं, ठीक है। इनके असली नकली होने का अंदाज़ा नहीं होता था उनको, उनकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता था कि वो कितनी कीमती हैं या नहीं कीमती हैं, और फिर उनका मिलना भी ना वो बहुत मुश्किल होता था। अब कीमती पत्थर हर एक के पास नहीं होते थे,
या जानवर की खालें हर एक के पास नहीं होती थी। इसी तरह जो तीर और सीपियाँ वगैरह, ठीक है ना, ये गल्ला वगैरह हर एक के पास नहीं होता था। तो जिसके पास जो होता था वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे और बाकी के जो थे वो फिर से उन्हीं मुश्किलात में घिरे रहते थे कि अब हम क्या करें। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके साथ साथ लोगों ने मज़ीद अच्छे मनी की तरफ, अच्छे ज़र की तरफ जो थी अपनी कोशिश जारी रखी कि हम कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त करें, ऐसी चीज़ बनाएं जो कि ज़र की फॉर्म में हम इस्तेमाल कर सकें और हमें कोई मुश्किल भी ना पेश आए, हमें लेन देन में वो हम उसे एक्सेप्ट कर लें आसानी से, जो कि ड्यूरेबल भी हो, ठीक है, जो कि ख़राब भी ना हो और काफ़ी लंबे अरसे के लिए हम उसे स्टोर भी कर सकें, ठीक है, उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकें। तो ऐसी चीज़ जो थी वो लोगों ने ना उसकी तलाश जारी रखी, ठीक है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो कि मनी या ज़र के आने से पहले का है। और फिर जो था, जब लोगों ने ज़र की इजाद की और फिर हम ज़र की तरफ आए, मीन्स कि एक ऐसी चीज़ आई जिससे जो थे लोग वो आपस में आसानी से एक दूसरे से लेन देन कर लेते थे। आजकल जैसे अगर हम देखें तो करेंसी एक ऐसी चीज़ है, हमारी हर मुल्क की करेंसी, ठीक है, बस जैसे कि पाकिस्तान की करेंसी है वो रुपया है, USA की करेंसी डॉलर्स है, ठीक है, कनाडा की करेंसी जो है वो पाउंड्स है, सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है वो रियाल है, ठीक है ना, इस तरह दिरहम दिनार, इंडिया की रुपया है, ठीक है, इसी तरह जो जापनीज़ येन होता है, येन वहाँ की करेंसी। तो मुख्तलिफ मुल्कों की एक करेंसी है जिसको वो एज अ ज़र यूज़ करते हैं। और अब हम पाकिस्तान की बात करें तो रुपया एक ऐसी चीज़ है जिससे हर बंदा लेन देन में जो है ना वो काबिल कबूल है, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और हमें उसके बदले वो चीज़ दे देता है जो हमें चाहिए होती है। तो ऐसी ही चीज़ उस वक्त लोगों को चाहिए थी जो कि आज हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इसमें हमने अभी ज़र के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ज़र से पहले क्या था, क्या सूरत हाल थी, हमने वो जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा है। और ज़र की हल्की फुल्की जो है वो तारीफ़ हमने देखी है कि ज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें लोग जो होते हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि ज़र से पहले जब लोगों ने ज़र की तलाश में निकले तो उनको क्या क्या मुश्किलात आईं, उस दौर में जब लोग रह रहे होते थे तो उस वक्त उनको चीज़ों के लेन देन करने में कौन कौन सी मुश्किलात आती थी। अगले लेक्चर में हम वो सारी मुश्किलात देखेंगे, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया ज़र के बारे में, मनी के बारे में, और मनी से पहले जो एक सिस्टम होता था जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो कि चीज़ों का चीज़ों से तबादला होता है, लेन देन जो लोग करते थे वो चीज़ों का चीज़ों के साथ करते थे, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं या बराह रास्त तबादला कहते हैं। तो उस सिस्टम के बारे में आपने थोड़ा सा नो हाउ लिया है, जब पैसा नहीं होता था तो वो सिस्टम चलता था। इवन के बार्टर सिस्टम अब भी मौजूद है लेकिन बहुत ही माइनर से जो है ना फॉर्म में मौजूद है अभी भी, कहाँ कहाँ पर है वो भी हम डिस्कस करेंगे मज़ीद इस चैप्टर को आगे जब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो होप कि आपको समझ आई होगी थोड़ी बहुत मेरी इन बातों की। बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।